हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी पैट डिस्कशन सेंटर। जैसा कि आपको पता है, OSSC यानी कि ओडिशा सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत फार्मासिस्ट और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की जो भी वैकेंसी आई हुई है, उस वैकेंसी के एग्जाम में जो आपका सिलेबस पूछे जाने वाला है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक यहाँ पे सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक, हर एक यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको MCQ सीरीज यहाँ पे चलाई जा रही है, जो कि MCQ आपको प्रैक्टिस करनी है। पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का यहाँ पे MCQ होगा, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो रहा है, जिससे आपकी तैयारी बूस्टअप हो सके और आप आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट को ग्रैब कर सके। तो उसी कड़ी में आज का जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। जी हाँ, DSBM, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये पुराना जो आपका डी फार्मा का सिलेबस था उसमें ये सब्जेक्ट था, और इस सब्जेक्ट से अभी भी फार्मासिस्ट एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं सारे टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट में आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, इसके इंट्रोडक्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन बन चुके हैं या आने वाले एग्जाम में बनेंगे, साथ ही साथ ड्रग हाउस मैनेजमेंट इस टॉपिक से भी किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए, कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। और याद रखिए, DSBM थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले थ्योरी को भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का पहला MCQ क्या होने वाला है। पूछा गया है, द टेंडर्स विच आर कॉल्ड बाई एडवर्टाइजमेंट आर नोन एज। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इसको एक बार MCQ को प्रैक्टिस करने से पहले एक बार जरूर थ्योरी देखना, क्योंकि सभी ये थ्योरिकल सब्जेक्ट है। तो थ्योरिकल सब्जेक्ट में एक बार आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझ लेना होगा, तभी जाके इसके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आप तुक्के नहीं लगा सकते। तो इसके जो डिफिनेशन होते हैं एग्जैक्ट वगैरह, एक बार थ्योरी में देख लेना। चलिए देख लेते हैं, ऐसा टेंडर जो कि एडवर्टाइजमेंट या आपका पब्लिक नोटिस के द्वारा या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकाल के जो टेंडर हमारा दिया जाता है, टेंडर कॉल किया जाता है, वो आपका क्या कहलाएगा? ऑप्शन है ओपन टेंडर, सबके लिए है, या फिर लिमिटेड लोगों के लिए है, या सिंपल टेंडर बोला जाएगा, या फिर ओरल टेंडर बोला जाएगा। देखिए, जब किसी न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकाला जाता है, टेंडर का पूरा विज्ञप्ति निकाला जाता है, एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, उस टेंडर को हम सिंपली क्या बोलेंगे? ओपन टेंडर। जी हाँ, क्यों? क्योंकि हमने न्यूज़पेपर में दे दिया, सबके लिए है, कोई प्राइवेटली लिमिटेड लोगों के लिए तो है नहीं, कोई ओरली तो है नहीं, हमने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से टेंडर की जानकारी थी, उसको हम ओपन टेंडर बोलेंगे। सिंपली इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन टेंडर, जहां पे पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा टेंडर को यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है, टेंडर के लिए हमारा क्या किया जाता है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकलवाया जाता है। जैसे आपका रेलवे ऑफिस का कोई टेंडर हुआ, गवर्नमेंट ऑफिस का कोई टेंडर हुआ, अलग अलग न्यूज़पेपर में यहाँ पे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है। क्लियर हो गया है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, मटेरियल परचेस्ड आर इशूड स्ट्रिक्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज। जी हाँ, जो आपके ड्रग हाउस मैनेजमेंट की बात आ रही है, तो ड्रग हाउस में जो भी आपके मटेरियल परचेज किया गया है, वो आपका स्ट्रिक्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, बेचा जाता है या निकाला जाता है, इस प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे? हिपो मेथड, या फिर फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, या फिर नीफो, या फिर लीफो। तो भैया देखिए, आपके जैसे स्टोर है, आपके स्टोर में जो दवा सबसे पहले आई है, जो दवा मान लीजिए कोई दवा जनवरी में आई है, कोई सेम दवा सेम फॉर्मुलेशन मार्च में आई है, तो भैया आप क्या करोगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड। बोले तो जो जनवरी में आई है उसको पहले बेचो, मार्च वाला क्योंकि एक्सपायरी बाद में होगा तो उसको बाद में बेचना। तो यहाँ पे फीफो लगाते हैं, बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा मेथड जिसमें क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जो दवा पहले आई है उसको पहले बेचो, उसको पहले निकालो ड्रग स्टोर से, तो वो क्या कहलाता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी ऐसा मेथड है कि भैया यहाँ पे क्या करते हैं कि जो आपका फर्स्ट वही बेचा जाता है जो पहले आया हो स्टॉक में, जो आपका पहले स्टॉक में यहाँ पे आया हो, वो आपका फीफो मेथड के द्वारा उसका क्या किया जाता है, शिपमेंट किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर। जी हाँ, अगर आपको रिटेल फुटकर ड्रग स्टोर खोलना है तो मिनिमम एरिया कितना रिक्वायर्ड होगा, भैया किसमें आप रैक बनवाओगे, कहाँ फ्रिज रखोगे, क्या रखोगे, वो पूरा एरिया रहेगा जो कितना स्क्वायर मीटर होना चाहिए। ऑप्शन है 15 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर, 40 स्क्वायर या 60 स्क्वायर मीटर। तो भैया याद कर लीजिए, आपके PCI के अकॉर्डिंग आपका रिटेल स्टोर अगर खोलना है तो जो मिनिमम स्टोर का एरिया होगा कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 स्क्वायर मीटर। जी हाँ, 10 स्क्वायर मीटर में आप रिटेल स्टोर बिल्कुल खोल सकते हो। रिटेल स्टोर खोलने के लिए इतनी ही जगह की यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी गई है, फिर उसके बाद लेआउट वगैरह क्या होता है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, द मेथड इन विच अ कोड इज असाइन टू स्टोर आइटम फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड। जी हाँ, कोई स्टोर में ढेर सारे आइटम रखे हैं, अब उन आइटम को हम कैसे पहचाने? इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो उनपे कोड लगाया जाता है,
जो उनपे नंबरिंग वगैरह कोड वगैरह जो भी कह लो कोड लगाया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, कौन सा मेथड, ब्लॉक मेथड बोलोगे या फिर निमोनिक मेथड बोलोगे या कॉम्बिनेशनल मेथड बोलोगे या फिर अल्फा न्यूमेरिक बोलोगे। तो सिंपली याद कर लो क्वेश्चन, ये बार बार पूछा गया है बहुत सारे फार्मासिस्ट एग्जाम में, इसमें भी पूछ सकता है। अगर हम इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो कोडिंग करते हैं, कोडिंग असाइन करते हैं ताकि जो स्टोर्ड हुए आइटम है इजिली क्या हो सके, एक्सेसिबल हो सके, इजिली पहचाने जा सके, उसे हम बोलते हैं निमोनिक मेथड। जी हाँ, निमोनिक मेथड में आपका जैसे एडी हो गया फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, आरई एम ए या फिर कह सकते हो पैरासिटामोल है, पीसीएम हो गया या अदर अदर जो आपके निमोनिक मेथड हमारे स्टोर में क्या हो जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, वो आपका निमोनिक मेथड के अंतर्गत आएगा ताकि अच्छे से पहचाना जा सके। अगला है विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ड्रग सप्लाई मैनेजमेंट एट अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। जी हाँ, देखो क्वेश्चन दिखेगा आपको हवा से भी जाएगा, लेकिन मैंने बोल दिया है एक बार थ्योरी जरूर देख के आना, तब जाके और अच्छे समझ आएगा। यहाँ पे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन ड्रग सप्लाई मैनेजमेंट किसी हेल्थ फैसिलिटी में जहां पे ड्रग सप्लाई होती है उसका मैनेजमेंट होता है उसका यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है, कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ ड्रग स्टोर, फिर है सप्लाई ऑर्डरिंग, रिसीविंग सप्लाईज, सेटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी। देखिए अब ड्रग स्टोर में क्या होता है, जो ऑर्डर है उसकी सप्लाई करना, जो सप्लाई बाहर से आ रही है उसको रिसीव करना, ये सारी चीजें तो होगी, साथ ही साथ ड्रग स्टोर को प्रिपेयर करना, ये सब कुछ तो होता है। लेकिन कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का सेटअप करना, ये कहीं ड्रग स्टोर से रिलेट कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है भैया, ड्रग स्टोर से पूछा है ना नॉट अ कंपोनेंट, तो ये यही है नॉट कंपोनेंट। बाकी ड्रग का ऑर्डर, ड्रग स्टोर प्रिपेयर करना, साथ ही साथ आपका सप्लाई ऑर्डरिंग को सप्लाई करना, ऑर्डर को रिसीव करना, सप्लाई को, ये सारी चीजें एक्टिविटी होती है, कंपोनेंट होता है। जैसे ये तीनों आप देख सकते हो ना, कंपोनेंट है। लेकिन कोई इंडस्ट्री प्रिपेयर करना, कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना, ये तो ड्रग स्टोर के अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है द इम्पोर्ट ऑफ फॉरिन गुड्स ऑफ वन कंट्री टू एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्री इज कॉल्ड। जी हाँ, कोई फॉरिन गुड है, हम एक कंट्री से मंगा के दूसरे कंट्री में इंपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, बोले तो जैसे हम इंडिया है, इंडिया ने क्या किया, चाइना से माल मंगा के इसको श्रीलंका में बेच दिया, तो वो ट्रेड क्या कहलाएगी? ऑप्शन है इंट्रापोर्ट, याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ट्रेड वगैरह में, जब आप बीएसबीएम पढ़ते हो, पढ़े होगे थ्योरी, तो वहां पे देखे होगे, उसको करोगे तो ये क्वेश्चन धड़ाधड़ लगेंगे। चलो भैया एक कंट्री से खरीद के दूसरी कंट्री को बेच देना, अपने कंट्री में नहीं मंगाना, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंट्रापोर्ट ट्रेड कहलाएगा। इंपोर्ट कहला, इंपोर्ट तो आयात हो गया, ये नहीं होगा, एक्स्ट्रापोर्ट ये भी नहीं होगा, और एक्सपोर्ट तो जानते ही हो बाहर निर्यात करना। तो भैया ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा पहला ही इंट्रापोर्ट, याद कर लो ये वर्ड। इंट्रापोर्ट में मतलब क्या होता है, जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करके और दूसरे कंट्री अलग कंट्री को एक्सपोर्ट कर देगी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंट्रापोर्ट ट्रेड। कौन सा ट्रेड, इंट्रापोर्ट ट्रेड, मतलब फॉरेन गुड्स को किसी कंट्री में क्या किया, मंगाया फिर दूसरे कंट्री को बेच दिया, इंट्रापोर्ट कहलाएगा। इंपोर्ट तो मंगाना, एक्सपोर्ट तो भेजना, एक्स्ट्रापोर्ट मतलब क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ये आपका एक तरह से इंटरनेशनली होता है ट्रेड, और यहाँ पे अलग कॉन्टेप्ट इंट्रापोर्ट से, यानी कि आपका इंट्रापोर्ट से ये अलग हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग अ केमिकल बाई अ स्टैंडर्डाइज केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। जी हाँ, ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो कि क्या करता है, केमिकल को मैन्युफैक्चर करने का काम करता है, किसके द्वारा, कोई केमिकल रिएक्शन करा के केमिकल बना रहा है, तो इंडस्ट्री क्या कहलाएगी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहलाएगी क्या, या फिर एनालिटिकल इंडस्ट्री कहलाएगी क्या, या फिर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाएगी, या फिर सिंथेटिक इंडस्ट्री। तो भैया ऐसी इंडस्ट्री जब केमिकल का यूज करके, है ना, जो हमारा क्या करती है, केमिकल का रिएक्शन करा के और केमिकल को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, वो कहलाएगी सिंथेटिक। जी हाँ, केमिकल से सारा काम हो रहा है, केमिकल को सिंथेटाइज किया जा रहा है, स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, जबकि आपका प्रोसेसिंग में क्या होता है, रॉ मटेरियल आता है, प्रोसेस होता है, अलग अलग स्टेप से गुजरता है, एक्सट्रैक्टिव एक्सट्रैक्शन वाली इंडस्ट्री हुई, एनालिटिकल जहां पे एनालिसिस वगैरह सारी चीजें होती है, लेकिन सिंथेटिक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री हुई जहां पे हम क्या करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री जहां पे केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग होता है किसी स्टैंडर्डाइज केमिकल रिएक्शन के द्वारा, तो वो सिंथेटिक इंडस्ट्री कहलाएगी। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है गिवन, यहाँ पे देखो क्या है, थोड़ा सा ब्लर ना होने पाए, चलिए यहाँ पे क्या है, गिवन इन द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा एक्सेप्ट वन। जी हाँ, यहाँ पे क्या है, तीन तो प्राइमरी डेटा है, एक एक्सेप्ट है, एक एक्सेप्शन है, तो उसी को आपको चूज करना है। तो भैया प्राइमरी डेटा मतलब किसी भी चीज का डेटा हमें कलेक्ट करना है, कहां कहां से मिल सकता है, तो भैया आपका सेल्समैन जो आपका जाता है डॉक्टर से मिलता है, सेल्स वगैरह करता है, तो उससे द्वारा डेटा मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, प्राइमरी डेटा में आएगा। कंज्यूमर से भी डेटा मिलता है, फीडबैक मिलता है, वो भी प्राइमरी डेटा का सोर्स है। डीलर लोग से भी आपका फीडबैक वगैरह मिलता है, क्या सुधार करने की आवश्यकता है वो सब मिलता है, तो वो भी प्राइमरी डेटा का सोर्स है। लेकिन
ट्रेड एसोसिएशन भैया, कोई ट्रेड का संगठन है, उससे कौन सा डेटा मिल रहा है? उससे तो मीटिंग वगैरह होती है, सुझाव वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन ही तो पूछा था कि भैया प्राइमरी डेटा का कौन एक्सेप्शन यहाँ पे डेटा प्रोवाइड नहीं करता, ट्रेड एसोसिएशन। बाकी सेल्समैन, कंज्यूमर, डीलर, ये सब के सब आपके प्राइमरी डेटा को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, डेटा को देने का काम करते हैं, जबकि ट्रेड एसोसिएशन कंसिडर नहीं किया जाता सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। क्लियर है? चलिए अगला है, द टेंडर इशूड ओनली इन दोज केसेस वेयर एन आइटम ऑफ अ प्रॉपर्टी नेचर। जी हाँ, ऐसा टेंडर जो कि उसी केस में आपका दिया जाता है जब आइटम हमारा क्या है, प्रॉपर्टी, मतलब बहुत महंगा हो सकता है या बहुत स्टैंडर्ड हो सकता है, और जिसका रिपीटेटिव ऑर्डर हमारा शॉर्ट पीरियड के लिए ही दिया जाता है, ऐसा टेंडर क्या कहलाएगा? टेंडर वाले पार्ट में जब पढ़ोगे वहां से क्वेश्चन आएगा। ओरल टेंडर कहलाएगा, लिमिटेड टेंडर कहलाएगा, सिंगल टेंडर या फिर ओपन टेंडर। ओपन तो सबके लिए हुआ, तो भैया शॉर्ट पीरियड के लिए तो हुआ नहीं, साथ ही साथ आपका ओरल भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि भैया पूछा गया जो प्रॉपर्टी इन नेचर, स्टैंडर्ड अगर कोई प्रोडक्ट है उसका टेंडर, उसका काम कराना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल टेंडर। क्या बोलेंगे डियर? सिंगल टेंडर। ठीक है, चलिए, तो उसे हम बोलेंगे सिंगल टेंडर जब हमारा कोई आपका कह सकते हो टेंडर उस चीज का, जब वो प्रॉपर्टी इन नेचर हो, है ना, तो वो आपका साथ ही साथ उसके शॉर्ट पीरियड के लिए हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा, सिंपल सिंगल टेंडर कहलाएगा। ठीक है, ओरल टेंडर में क्या होता है, वर्बली सबमिट किया जाता है। लिमिटेड में क्या होता है कि भैया लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर को दिया जाता है। ओपन तो सबके लिए हुआ। ठीक है, ये सारे टेंडर आपको पढ़ने होंगे, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच अमाउंट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एरिया रिलेटेड टू ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। जी हाँ, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका मेजर नॉट नहीं है, मेजर एरिया जो कि ड्रग स्टोर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, कौन सा नहीं है भैया? देखो, रेशनल यूज ऑफ मेडिकेशन, भैया ड्रग स्टोर मैनेजमेंट का एक भी कर्तव्य होता है, ये भी चीज होती है कि वो जो ड्रग आप सप्लाई कर रहे हो उसकी सही यूज हो, सही पेशेंट को जाए, रेशनल यूज, ये तो एरिया है, नॉट पूछा है। अफोर्डेबल प्राइस में वो आपका ड्रग को अवेलेबल करा सके, ये भी आपका मेजर रोल होता है, मेजर एरिया है, रिलेटेड है इससे, ड्रग स्टोर से। साथ ही साथ रिलायबल हेल्थ सप्लाई सिस्टम को भी इंश्योर करता है ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पे फॉरेन ओरिजिन की जो ड्रग है उनको यूज करने की प्रायोरिटी देना, उनको यूज करने पे फोकस करना, ये तो कोई ड्रग स्टोर का काम है नहीं। ड्रग स्टोर का काम क्या है कि सही दवा सही पेशेंट को जाए, अफोर्डेबल प्राइस पे जाए, और हेल्थ सिस्टम और सप्लाई सर्विसेज सब कुछ सही हो। लेकिन फॉरेन ड्रग हमारा यूज किया जाए उसकी प्रायोरिटी तो नहीं होती, नॉट पूछा है ना, नॉट अ मेजर एरिया, तो यही है भैया, कोई प्रायोरिटी नहीं होती फॉरेन ओरिजिन ऑफ ड्रग को यूज करने की। ठीक है, तो अगर बात कर ले तो आपका क्या है, अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड करना, रेशनल यूज ऑफ मेडिकेशन, ये भी इंश्योर करता है, मेंटेन करता है रिलायबल हेल्थ और सप्लाई सिस्टम को, ये सब तो होगा। लेकिन आपका जो मेजर एरिया आपके कह सकते हो कि फॉरेन यूज ऑफ मेडिकेशन, वो तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेंदी रहता है, इस बार हमेशा बोल दिया कि भैया एक बार थ्योरी देख लेना डीएसबीएम में, क्योंकि डीएसबीएम में जब तक आप थ्योरी नहीं कवर करोगे क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन बाउंस जा रहे होंगे आई होप, लेकिन एक बार थ्योरी आप देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डिप्रिसिएशन ऑफ मशीन एंड बिल्डिंग आर कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। जी हाँ, मशीन का वैल्यू कम होना, मशीन का वियर एंड टियर होना, मशीन का क्षरण होना, या कह लो मशीन का या बिल्डिंग का क्या होना, यहाँ पे नष्ट होना या धीरे धीरे वैल्यू कम होना, वो आपके किस प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आती है, किस प्रकार के, जब कॉस्ट सिस्टम पढ़ोगे ना तो उसमें एक ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है, एक डायरेक्ट कॉस्ट आता है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट आता है, एक टेस्टिंग कॉस्ट आता है। तो भैया मशीन का क्या होता है, क्षरण होना। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन चलने में या मशीन को ऑपरेट करने में क्या इलेक्ट्रिसिटी लगी, ये सारी चीजें तो ऑपरेटिंग में आ गया। डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट जो आपकी वैल्यू वगैरह होती है उसकी बात आ गई। टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग में जो कॉस्ट लग रहा है। लेकिन यहाँ मशीन धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, बोले तो कोई चीज अगर यूज करने के ला रहे हो, साबुन क्या है, साबुन ला रहे हो उसको लगा रहे हो, धीरे धीरे कम हो रहा है। उसी तरीके से मशीन में जंग लगती है, वेयर एंड टियर होता है, लाइफ कम होती है, मोबाइल चला रहे हो उसका लाइफ कम हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपका डायरेक्टली आपको नहीं दिखेगा, इनडायरेक्टली कॉस्ट, इनडायरेक्टली उसकी वैल्यू कम हो रही कि नहीं, इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, अपना वेयर एंड टियर हो रहा है, क्षरण हो रहा है, जंग लग रही है, तो वो जो आपका कॉस्ट होगा वो किसमें काउंटर किया जाएगा, किसमें काउंट किया जाएगा, सिंपली इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कॉस्ट में। जी हाँ, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है, जब मशीन की बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन होती है, उसकी वैल्यू कम होती है, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में यहाँ पे क्या किया जाता है, सुटेबल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल वर्क ग्रुप टाइप। जी हाँ, अब चलिए वर्क ग्रुप से भी क्वेश्चन आ गया, बोला ना हर प्रकार की क्वेश्चन आपको बनेंगे, हर प्रकार की थ्योरी देख के आनी पड़ेगी, तब क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ेगा। चलिए यहाँ पे पूछा है,
इनमें से कौन सा आपके इनफॉर्मल वर्क ग्रुप टाइप में नहीं होता? देखिए अभी क्या होता है, इनफॉर्मल वर्क ग्रुप टाइप मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां पे लोगों का क्या होता है कि बॉन्डिंग रहती है, लोग किसी पर्टिकुलर गोल के लिए क्या काम करते हैं, है ना, और एक टारगेट वगैरह मिला रहता है, तो उसके लिए आपका वो वर्क ग्रुप क्या करता है, वो वर्क ग्रुप काम करता है। तो इनमें से पूछा है कौन सा इनफॉर्मल वर्क ग्रुप टाइप नहीं है, तो भी आपका मर्चेंडाइजिंग ग्रुप, ये भी आपका कह सकते हो इनफॉर्मल वर्क ग्रुप में आता है। इसमें भी क्या होता है, मर्चेंडाइज को एक टारगेट मिलता है, उस टारगेट को सेट करके आपस में गोल निर्धारित करके उन्होंने क्या किया, अपने मर्चेंडाइज को प्रॉफिट दिलाया, सेल किया। इकोनॉमिक इंटेंट ग्रुप, ये भी उसी तरीके से वर्क किया, और साइकोलॉजिकल इंटेंट ग्रुप भी वर्क किया एज ए इनफॉर्मल वर्क ग्रुप टाइप। लेकिन यहाँ पे जो परमानेंट ग्रुप है ना, इसको कंसिडर नहीं किया जाता। देखो आप कहोगे सर ये कैसे समझे हम, कॉन्सेप्ट क्या है ये, देखो ये सबकी थ्योरी है डियर, वर्क ग्रुप टाइप कैसे हो सकते हैं, टेंडर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ये सब की थ्योरी है, सब तो निश्चित है, यूनिवर्सल है, बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका परमानेंट जो वर्क ग्रुप है ना, ये इनफॉर्मल वर्क ग्रुप टाइप के में अंदर नहीं आता। जी हाँ, जो परमानेंट ग्रुप है ना, ये कंसिडर नहीं किया जाता एज अ इनफॉर्मल वर्क ग्रुप टाइप। अब देखो इनफॉर्मल वर्क ग्रुप क्या होता है, मेनली एक ग्रुप होता है जो कि स्पॉन्टेनियसली एम्प्लॉय के बीच में क्या होता है, इमर्ज हो रहा है, जो कि बेस होता है शेयर इंटरेस्ट पे, फ्रेंडशिप पे, कॉमन गोल पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कॉमन गोल है, क्या अचीव करना है, क्या स्टैंडर्ड है, उसको क्या करने के लिए, सिंपली अचीव करने के लिए ये होता है इनफॉर्मल वर्क ग्रुप, जो कि आपका मर्चेंडाइजिंग ग्रुप में भी होता है, इकोनॉमिक में भी होगा, साइकोलॉजिकल में होगा, लेकिन परमानेंट ग्रुप में इसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। यही से क्वेश्चन था, इसी को आपको समझना है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ मेजर पनिशमेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ मिसकंडक्ट। देखिए किसी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय वगैरह है, वही कोई मिसकंडक्ट कर दिया, कोई गलती हो गई उससे, या कुछ भी मिसकंडक्ट या उल्लंघन किसी चीज का कर दिया, तो इनमें से कौन सा मेजर पनिशमेंट नहीं है। देखो भैया, डिमोशन कर देना यानी प्रमोशन, जो उसके सीट है उससे उसको नीचे उसका पद दे देना, डिमोशन ये तो है भैया आपका पनिशमेंट के अंतर्गत आता है। नॉट पूछा है ना, डिस्चार्ज कर देना ये भी पनिशमेंट के अंतर्गत आता है। इंक्रीमेंट को विदहोल्डिंग कर देना, विदहोल्ड कर देना, रोक देना, ये भी आपका क्या पनिशमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन लॉस ऑफ प्रिविलेज ये आपका पनिशमेंट के अंदर नहीं आता, इसमें सिर्फ कुछ उसको जो राइट है वो राइट छीन लिया जाता है, बाकी आपका जो पनिशमेंट बैन की बात कर ली जाए, डिमोशन ये एक तरह से पनिशमेंट है, और इंक्रीमेंट रोक देना, डिस्चार्ज कर देना, ये सब पनिशमेंट में आता है, लेकिन लॉस ऑफ प्रिविलेज एक तरह से मेजर आपका पनिशमेंट नहीं होता है। तो नॉट पूछा है तो लॉस ऑफ प्रिविलेज नॉट होगा। जी हाँ, अगर बात करते हैं डिमोशन की, डिस्चार्ज की, इंक्रीमेंट को रोक देना, ये सब का सब क्या है, आपका कह सकते हो पनिशमेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन जो लॉस ऑफ प्रिविलेज है ना, इसमें इसको कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ प्रिविलेज का मतलब यहाँ पे कुछ सर्टेन बेनिफिट के लिए रोक देना, कुछ एमिनिटीज के लिए रोक देना, कुछ सर्टेन जो उनको राइट है उनके लिए रोक देना, तो ये तो आपका उतना पनिशमेंट नहीं हुआ, क्लियर है। चलिए अगला है, अ मर्चेंट हु कैन इनिशिएट इंटायरली ऑन बाइंग एंड सेलिंग इन लार्ज लॉट्स एंड डज नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग और रिटेनिंग ऑपरेशन। ओके सर, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे समझे, बहुत आसान है। एक ऐसा मर्चेंट जो कि इंटायरली क्या करता है भैया, बाइंग और सेलिंग करता है, बड़े बड़े अमाउंट, बड़े बड़े लॉट, बड़े बड़ा स्टॉक क्या करता है, मैन्युफैक्चर से खरीदेगा और डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को बेच देगा, और मैन्युफैक्चरिंग में या उसको अदर उसके ऑपरेशन में उसका भाग नहीं लेता, सिर्फ खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, लार्ज अमाउंट, लॉट, बड़े बड़े स्टॉक में, बड़े बड़े लॉट में, तो क्या कहलाएगा, प्योर होलसेलर है वो, या मैन्युफैक्चरर होलसेलर है, या रिटेलर होलसेलर, या नन ऑफ द अबव। तो भैया मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर कैसे हुआ, रिटेलर होलसेलर भी नहीं हुआ, क्योंकि रिटेलर तो आपका क्या करता है, रिटेल फुटकर में बेचा। यहां पे अगर बड़े बड़े लॉट को खरीद रहा है और आगे उसको ट्रांसफर कर रहा है, बेच रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्योर होलसेलर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ध्यान से यहां पे क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको आंसर, वो बोला जाएगा प्योर होलसेलर। जी हाँ, ऐसा होलसेलर जो कि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में इंटरमीडिएट लिंक बनाता है, और ये बड़े बड़े लॉट को खरीदता बेचता है, ये मैन्युफैक्चरिंग या बेचने में छोटा छोटा विश्वास नहीं रखता, क्लियर है। क्या कहलाएगा, प्योर होलसेलर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस इज अ टेक्निक एसोसिएटेड विथ। जी हाँ, ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस एक मेथड होता है कि भैया कितने लोग हमारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितना हमारा बिक्री है, सारी चीजें, कितना हमारा टर्नओवर है, ये सारी जो एनालिसिस का एक मेथड होता है वो किससे रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से है क्या, या फार्मेसी स्टोर से है, या फिर मार्केटिंग, या फिर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट।
तो याद कर लीजिए, जो ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मार्केटिंग की टेक्निक है, मार्केटिंग की टेक्निक है, किससे जुड़ी है, मार्केटिंग से जुड़ी है ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस। इसमें क्या होता है, सिंपली एनालिसिस होता है जिसमें स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कितने कस्टमर मूव कर रहे हैं, कितने विजिटर आपके कंपनी में, स्टोर में, फैसिलिटी में आ रहे हैं, कितना वो टर्नओवर कर रहे हैं, कितना खरीद फरोख्त कर रहे हैं, सारी एनालिसिस का मेथड हुआ। क्लियर है ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस। अगला क्वेश्चन, कोडिफिकेशन ऑफ आइटम इन अ स्टोर इंश्योर। जी हाँ, आइटम में जब कोडिफिकेशन कर दिया AB1 AB2 तो इससे क्या इंश्योर होता है, क्या होता है कि भैया डिस्क्रिप्शन में एम्बिग्युइटी हो सकती है, या इन्वेंटरी रिपीट हो सकती है, या इजिली आइडेंटिफिकेशन पहचाना जा सकता है, या फिर आपका आइटम के स्पेसिफिकेशन में बहुत कॉम्प्लिकेशन दिक्कत होगी। तो भैया कोड हम क्यों लगाए, हमने नंबरिंग क्यों की, मार्का क्यों लगाया, क्योंकि हम इजी आइडेंटिफिकेशन कर सके भैया, क्या कर सके, इजी आइडेंटिफिकेशन मतलब आसानी से कोई, अब जैसे ढेर सारे स्टोर है, लाखों दवाइयां, हजारों सैकड़ों दवाइयां रखी है, कैसे आसानी से पहचाना जाए, तो उसके लिए कोड बना दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, या अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर से, या न्यूमेरिक मेथड से। तो ये सब आपके क्या होते हैं, कोडिफिकेशन होते हैं, जो कि क्या इंश्योर करता है, इजी आइडेंटिफिकेशन इंश्योर करता है किसी भी आपके कह सकते हो स्टोर के अंदर। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन कंसीडर्ड एज होम ट्रेड। जी हाँ, इनमें से कौन सा ट्रेड या कौन चीज होम ट्रेड कंसीडर की जाती है, होम ट्रेड का मतलब क्या होता है, अपनी बाउंड्री के अंदर, बोले तो अपने देश के बाउंड्री के अंदर वो ट्रेड, वो खरीद फरोख्त, वो आपका बाइंग सेलिंग क्या कहलाएगा, होम ट्रेड। तो भैया फॉरेन एजेंट तो फॉरेन से रिलेटेड होगा, तो ये होम ट्रेड नहीं कहलाएगा। एक्सपोर्ट का मतलब इसको भी बाहर भेजने की बात हो रही है, तो ये भी नहीं हुआ। इंपोर्ट का मतलब बाहर से मंगाना, ये भी नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरर, जी हाँ, जो मैन्युफैक्चरर हुआ वो आपके कंट्री के बाउंड्री के अंदर मैन्युफैक्चर किया, उसको कंट्री की बाउंड्री के अंदर बेचा, खरीदा, सारी चीजें क्या किया, ये आपका होम ट्रेड में आती है। किस में आती है डियर, होम ट्रेड में आती है, याद कर लेना। यहाँ पे क्या है, होम ट्रेड मैन्युफैक्चर होता है, आपके कंट्री के विद इन सारी एक्टिविटी चलती है, जबकि ये फॉरेन एजेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सब तो विदेश से रिलेटेड है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड शॉप लार्ज स्केल रिटेलर। जी हाँ, इनमें से कौन सा फिक्स्ड शॉप, याद करो, फिक्स्ड शॉप और लार्ज स्केल रिटेलर नहीं है। अब देखो, फिक्स्ड शॉप का मतलब एक कोई फिक्स्ड स्टोर होगा, शॉप होगा, और लार्ज स्केल पे वो काम कर रहा है, तो इनमें से कौन सा नहीं है। देखो भैया, हायर परचेज शॉप बड़े बड़े स्टोर होते हैं, जहां पे क्या होता है, सप्लाई की जाती है, डिमांड को फुलफिल की जाती है। जो कोऑपरेटिव बड़े बड़े स्टोर होते हैं वो भी आपके फिक्स्ड है ना, ये भी फिक्स्ड है, लार्ज स्केल पे है। कोऑपरेटिव बड़े बड़े स्टोर, ये भी फिक्स्ड होता है, लार्ज होता है। और जो स्पेशलिटी शॉप है, ये भी तो फिक्स्ड है, स्पेशलिटी कहीं दवा मिलती है, कहीं कपड़ा मिलता है, कहीं मोबाइल मिलता है, स्पेशलिटी शॉप है, तो वहां पे क्या है, वो भी फिक्स्ड शॉप है। लेकिन मेल ऑर्डर बिजनेस, ये कोई फिक्स्ड शॉप तो है नहीं। यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन सारा काम, मेल भैया ऑनलाइन कहीं से भी हो रहा है, कहीं से सेटअप लग रहा है, कहीं से भी अलग अलग जगह से क्या हो रहा है, लोग यहाँ एक जगह आ तो नहीं रहे, स्पेशलिटी शॉप तो नहीं है आपकी, फिक्स तो है नहीं, आप हर जगह डिलीवरी कर रहे हो, हर जगह लोग मंगा रहे हैं, है ना। तो वो मेल ऑर्डर आपका कह सकते हो नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है ना, ये अलग अलग रीजन में अलग अलग हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, सिंपली आपका परचेजिंग वगैरह, सेलिंग वगैरह होती है। ठीक है, मेल ऑर्डर बिजनेस आपका फिक्स्ड शॉप में नहीं आता। ठीक है, बाकी सब आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज दैट पार्टनर कॉल्ड एज हु हैज, ध्यान देना, Who has neither contributed any capital to the firm, nor take part of in the management of the firm, but talk to the outsider to create an impression that they are partner of the firm. हाँ जी, याद करो, partner, अलग अलग partner आपने पढ़ा होगा DSBM में, वहां से क्वेश्चन, वहां से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये कई एग्जाम में भी पूछा है, अभी रिसेंट एक एग्जाम हुआ था आपका SGPGI का, वहां भी पूछा था। देखिए, कोई व्यक्ति है जो कि कोई किसी कंपनी में ना तो पैसा लगाया है, नहीं मैनेजमेंट में कोई उसका पदभार है, कोई एक्टिवली पार्ट कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन आउटसाइडर बाहर के लोगों से सिर्फ ये इंप्रेशन जताने के लिए बता रहा है कि इस कंपनी का मैं पार्टनर हूं, इस कंपनी में मेरा शेयर है, तो वो पार्टनर क्या कहलाएगा, सीक्रेट पार्टनर कहलाएगा, पार्टनर बाय स्टॉक पेल कहलाएगा, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली कहलाएगा, या स्लीपिंग और इनएक्टिव पार्टनर कहलाएगा। ये सारे पार्टनर के डिफिनेशन आपको पढ़ने होंगे, सारे पार्टनर के डिफिनेशन से भी क्वेश्चन आता है। तो भैया, कोई व्यक्ति न कंपनी में कोई पैसा लगाया है, ना कंपनी में कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ बाहरी लोगों से बता रहा है कि इस कंपनी में मैं क्या हूं, शेयर होल्डर हूं, इंप्रेशन जताने के लिए, तो वो कहलाएगा, याद कर लो, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार आ चुका है, एक बार और इसको हम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पार्टनर बाई स्टोपेल, या नॉमिनल पार्टनर कभी कभी कहते हैं। ठीक है, तो पार्टनर बाई स्टोपेल इसे बोलेंगे, कि ऐसा पार्टनर जो कि न पैसा लगाया, न मैनेजमेंट में पार्ट लिया, सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन जताने के लिए लोगों को बोल दिया कि मैं पार्टनर हूं भैया,
सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? जो डिस्क्लोज नहीं करता पब्लिक में। प्रॉफिट ओनली यानी जो शेयर आपका प्रॉफिट में ही शेयर लेता है। स्लीपिंग इन एक्टिव मतलब कोई एक्टिव पार्ट एक्टिव रोल नहीं लेता, बस पैसा लगाता है। ठीक है, तो अलग अलग पार्टनर होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला डियर? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज आर फॉलोइंग कैटेगरीज एक्सेप्ट वन। जी हाँ, ओनरशिप के बेस पे अलग अलग इंडस्ट्री होती है, एक वहां पे नहीं है, उसी को चूज करना है। चलो भैया, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री पब्लिक ओनरशिप रहता है, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट ओनरशिप, ये भी ओनरशिप में है, ज्वाइंट सेक्टर दो लोग के ज्वाइंट, तीन लोग के, चार लोग के ज्वाइंट, ये भी ओनरशिप में है। लेकिन जो कॉटेज इंडस्ट्री है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन है, न कि ओनरशिप पे। तो पूछा है ओनरशिप का एक्सेप्शन, यहाँ पे तीन तो ओनरशिप के बेस पे है लेकिन एक्सेप्शन एक ही कॉटेज यूनिवर्सिटी क्या है, सॉरी इंडस्ट्री क्या है, एक तरह से आपके मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? टिपिकली कैटेगराइज की जाती है बेस्ड ऑन स्केल ऑफ प्रोडक्शन रेदर देन ओनरशिप, कितना प्रोडक्शन का स्केल है उसके। बाकी पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, ज्वाइंट सेक्टर हो, सब सब ओनरशिप के, कोई गवर्नमेंट है कोई प्राइवेट है ना, ऐसे कर करके होता है। सो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन। देखो भैया, क्वेश्चन तो कुछ समझ में आए होंगे समझने से पढ़ने से, और कुछ ऊपर से गए होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी थ्योरी एक बार पढ़ोगे तभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना डियर। थ्योरी पढ़ के आओगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन मिस हो, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं मैंने जिसपे जिसपे जोड़ दिया है, जिसको बोला है इंपॉर्टेंट है, वो पूछा गया है, उसको जरूर विजिट करना, एक बार दोबारा से देखना सेशन, तो और अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आप रिविजन कर सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट से ला सकते हो। उम्मीद होगी क्लास आज की समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। बाकी आने वाले आपके सेशन में और अच्छे से इसके सारे पार्ट खत्म कराएंगे, और बाकी सब्जेक्ट का जो भी वीडियोस देखना है, जो भी टॉपिक देखना है, चैनल के प्लेलिस्ट में ओएसएससी के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देख लीजिएगा, विजिट कीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।